गाइस आज मैं रिव्यू करने वाला हूं अपने पहले प्यार का और मैं बात कर रहा हूं हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से पैशन प्लस। पहला प्यार मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि यार इसकी स्टोरी मेरे साथ बहुत जुड़ी हुई है और ज्यादा स्टोरी में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको ये बता दूं इसके साथ मेरा जो कनेक्शन है ना वो बहुत तगड़ा है, बहुत टाइम से मैं इसके साथ कनेक्ट हूं। और यार अभी इनका ये नया मॉडल है इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट भी हुई है, इसमें आपको डिजी एनालॉग मीटर देखने को मिलता है, स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है, i3s की टेक्नोलॉजी है और इसी के साथ क्रोम गार्निश आपको बहुत जगह देखने को मिलती है जिसकी वजह से इसकी स्टाइलिंग भी काफी इंप्रूव हो चुकी है। अगर आप स्टाइलिश हो मेरी तरह तो आपको एक स्टाइलिश मोटरसाइकिल की भी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे वो पैशन प्लस आपका साथ देने वाली है। इसी के साथ इसमें आपको मोबाइल चार्जर देखने को मिलता है और बड़ी सी सीट देखने को मिलती है तो मतलब स्पेस यहाँ भी है। तो आओ यार करते हैं इसका रिव्यू क्योंकि यार इसमें बहुत सारी नई नई चीजें हैं, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। एट द एंड आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपको 100cc की मोटरसाइकिल खरीदनी है ना तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है। तो आओ करते हैं इसका कंप्लीट रिव्यू। तो सबसे पहले इसके डिजाइन की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको वही आइकॉनिक पैशन वाली डिजाइन देखने को मिलती है, मतलब डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं है लेकिन बहुत जगह आपको इसमें क्रोम के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्रोम गार्निश देखने को मिलती है। जैसे यहां पे देखो क्रोम का पार्ट यूज करा गया है, यहां पे क्रोम का पार्ट है जिसकी वजह से इसका लुक जो है ना आज के टाइम के लिए और इनहांस हो जाता है। फीचर्स की बात करूं तो एक मेजर यहां पे इंप्रूवमेंट है कि देख सकते हो यहां पे डिजी एनालॉग क्लस्टर दिया गया है, ये देख सकते हो यहां पे डिजिटल वाला पार्ट है, यहां पे एनालॉग वाला पार्ट है, यहां पे ट्रिप मीटर दिखाता है, फ्यूल गेज है, ऑडोमीटर है, स्पीडोमीटर दिखाता है, स्पीडोमीटर इधर एक्चुअली यहां पे देख सकते हो, इंजन फंक्शन की इंडिकेटर है, यहाँ पे न्यूट्रल है और मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसमें सारी मिल जाती है। और इसी के साथ देखो यहाँ पे i3s की भी स्विच है, मतलब इसमें आपको i3s भी देखने को मिलता है। अब i3s कैसे काम करता है तो देखो i3s जो है एक आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जैसे काम करता है। तो अगर आपकी बाइक का i3s ऑन है इसका मतलब ये होगा कि कभी आप सिग्नल में खड़े होते हो ना तो इंजन अपने आप कट ऑफ हो जाएगा और जैसे आप क्लच लोगे तो इंजन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। एक और फीचर यहाँ पे दिखाओ कि यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, ये भी बहुत ही काम का फीचर है भाई आज के जमाने के लिए क्योंकि यार सभी के पास गैजेट होते हैं, कहीं आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, इवन आप सिटी में भी राइड कर रहे हो तो भाई उसको चार्ज करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ थोड़े बहुत इसमें स्टोरेज स्पेस भी दिए गए हैं, जैसे पहला स्टोरेज स्पेस देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा है तो यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हो, बाकी इधर दिखाओ यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है तो ये एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस है तो आप कुछ भी अपना छोटा मोटा सामान यहाँ पे रख सकते हो, ये देख सकते हो ना की का पोर्ट है तो ये पूरा ओपन हो जाता है। इसी के साथ इसकी सीट देख सकते हो काफी बड़ी है, स्पेसियस सीट है तो मतलब सीट में भी अच्छा खासा स्पेस है। अगर देखो कोई दो बंदे हैवी भी है ना तब भी आपको स्पेस की कमी नहीं लगेगी, देख सकते हो इतना ज्यादा स्पेस राइडर के लिए है। सेम पिलियन के लिए भी अच्छा खासा स्पेस है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है और इसकी कुशनिंग भी मैं आपको चेक कराता हूँ, देख सकते हो कितनी सॉफ्ट है तो मतलब ओवरऑल कंफर्ट आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो देखो ये जो पैशन है ना ये काफी टाइम से मार्केट में है तो इसका जो ब्रांड वैल्यू है ऑलरेडी क्रिएट है मार्केट में, हम सभी लोग इसको जानते हैं तो वही आइकॉनिक डिजाइन के साथ इसमें नए नए फीचर्स को लोड कर दिया गया है जिसकी वजह से आज के टाइम मतलब 2023 के लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज हो जाती है। तो अगर आप एक स्टाइलिश मोटरसाइकिल सर्च कर रहे हो जो फीचर रिच हो और आइकॉनिक डिजाइन के साथ हो, क्लासिक डिजाइन के साथ हो तो आप पैशन को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। इसके इंजन की बात करूं तो यार इसमें 97.3cc का इंजन देखने को मिलता है, FI सिस्टम के साथ आता है मतलब इसमें फ्यूल इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी मिलती है, लगभग 8.02 PS की मैक्स पावर और लगभग 8.05 Nm का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। और हाँ ये E20 रेडी वाला इंजन है, दिखाओ यहाँ पे E20 की भी बैजिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि आप 20% इथेनॉल वाला जो फ्यूल है ना अभी जो आ रहा है वो आप इसमें डलवा सकते हो, मतलब ये फ्यूचर प्रूफ भी है। अब यार चलो इसको थोड़ा सा मैं राइड करता हूँ, राइड का भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी ब्रेकिंग इसमें देख सकते हो आगे पीछे दोनों साइड ड्रम है तो ब्रेक्स कैसे लगते हैं मैं आपको चलाते टाइम बताता हूँ, बट हाँ अगर आप ये खरीदना चाहते हो तो आप नियरेस्ट हीरो मोटोकॉर्प डीलर को विजिट कर सकते हो और इसी के साथ इनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब चलते हैं छोटी सी राइड में, थोड़ी बहुत इसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी बातें आपको शेयर करता हूँ। पहले तो आपको सीट कंफर्ट ही बता देता हूँ, तो सीट बहुत कंफर्टेबल है, स्पेसियस है और जैसे मेरी हाइट 5'8" है तो मुझे मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट और इजी टू हैंडल लग रही है। 4 गियर का इसमें ट्रांसमिशन मिलता है, जब आप चलाओगे ना तो आपको इसमें स्मूथनेस फील होगी और कंफर्टेबल है, हैंडल बार बहुत अच्छे हैं और जैसे मैंने आपको बोला ना वेट इसका बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसका फ़ायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा आपको हैंडल करने में। अगर आपका थोड़ा सा ऐसा है कि भाई मुझे एक लाइट वेट मोटरसाइकिल चाहिए तब आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। और इसी के साथ देखो लाइट वेट होने की वजह से ना जैसे आप कभी ख़राब पैच में जाते हो, ख़राब रोड में जाते हो, जैसे अभी मानसून सीजन चल रहा है बहुत जगह रोड अच्छी नहीं होती तो वहाँ पर आपको ईजी होगा इसको निकालना, ख़राब रोड में लेके जाओ या अच्छी रोड में लेके जाओ भाई मज़ा आपको ये बराबर देगी। और ब्रेक्स की भी बात कर लूँ तो देखो इसमें फ्रंट में और रियर में दोनों में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, IBS टेक्नोलॉजी मिलती है, ब्रेक्स अच्छे हैं तो आपको ब्रेकिंग में दिक्कत नहीं होने वाली है, स्टाइलिश भी लगती है जैसे आप चलाते हो ना, तो अगर
कोई बंदा देखता है आपको तो ये आपके ऊपर स्टाइलिश भी लगेगी। जो कलर कॉम्बिनेशन है इसका, ग्राफिक स्टिकरिंग है, वो बहुत ही अच्छी लगती है। बाकी i3s तो है ही, यार ज़्यादा कुछ क्या ही बताऊँ, बस इतना ही कह सकता हूँ कि भाई ये सेगमेंट में अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑफर करती है ना, और परफॉर्मेंस भी अच्छा करती है, रिलायबल है, हीरो का ट्रस्ट आपको देती है। जैसे भी आप सभी को पता है कि भाई हीरो मोटोकॉर्प बहुत ही टाइम से मार्केट में है, तो आपको इसमें ट्रस्ट मिलेगा कि भैया आप ये मोटरसाइकिल ले लोगे तो आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा कि भैया आपकी बाइक जो है वो ख़राब नहीं होगी, या ख़राब होगी भी, कोई प्रॉब्लम होती भी है तो भैया हीरो बैठे हुए हैं। रियर व्यू मिरर वगैरह भी सही जगह पे प्लेस्ड है, तो आपको पीछे का पूरा व्यू भी देखने को मिलता रहेगा। देखो अगर आप फैमिली के लिए भी लेना चाह रहे हो तो भाई इतना इसमें स्पेस है कि आप दो लोग बड़े आराम से बैठ सकते हो कंफर्टेबली, थोड़ा बहुत अपना लगेज भी रख सकते हो। तो कुल मिला के काफ़ी प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल है 2023 के लिए, ठीक है। फीचर रिच है भाई, चार्जिंग के लिए पोर्ट है, जैसे मुझे फ़ोन चार्ज करना हो है ना, तो मैं अपना केबल फंसाऊँगा और ज़्यादा होगा तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन माउंट ले लूँगा और बस हो गया। तो बस यही है भाई, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो। तो अगर आप हीरो पैशन प्लस को खरीदना चाहते हो तो नियरेस्ट हीरो मोटोकॉर्प डीलर को विजिट कर सकते हो, और लिंक भी इनकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।